Some big breaking update from Himachal Pradesh. Congress selects Sukhwinder Sukhu as Himachal Pradesh Chief Minister. Mukesh Agnihotri as Deputy Chief Minister. Swearing in ceremony to be held tomorrow. In fact, amid speculations, now Congress finally selecting Sukhwinder Sukhu as Himachal Pradesh Chief Minister. Mukesh Agnihotri as Deputy Chief Minister and swearing in ceremony to be held tomorrow. Several names had been doing the rounds. Now, of course, after a series of meetings with the top leaders of the Congress, with the observers, now, of course, Sukhwinder Sukhu has been selected as Himachal Pradesh Chief Minister by the Congress High Command. Mukesh Agnihotri will be the Deputy Chief Minister of Himachal Pradesh. In fact, swearing in ceremony is going to take place tomorrow. ये जो एक अच्छी जोड़ी बनाई है कांग्रेस द्वारा मुकेश अग्निहोत्री जी, ये दोनों को इस राज्य की सेवा के लिए कांग्रेस ने चुना है, तो मैं समझता हूँ ये प्रदेशवासियों की आवाज थी, सभी एमएलएओं का ये था कि इन दोनों को ही आगे रखा जाए, तो इनकी आवाज को भांपते हुए कांग्रेस हाईकमान ने ये फैसला किया है। लगता है सर, अब जिस तरीके से डेप्टी मुकेश जी बने हैं, कितना सामंजस्य रहेगा? बिल्कुल, आपने अंदर देखा नहीं है, मुकेश जी ने नाम पेश किया है सुखू जी का, तो ये बहुत भाइयों जैसे प्यार है, शुरू से इकट्ठे रहे हैं और कांग्रेस पार्टी के डिसिप्लिन्ड सिपाही हैं ये लोग, और बिल्कुल जो प्रस्ताव हुआ था हाईकमान पिछोता और भी जो है सुखू जी को मुख्यमंत्री और अग्निहोत्री जी को उप मुख्यमंत्री का फैसला किया और कैबिनेट की एक्सपेंशन बाद में होगी। क्या लगता है सर, हाईकमान से डिसीजन आया कैसा, आप राज्य कैसा चलेगा? बढ़िया राज चलेगा, मिलकर चलेगा सब। सर्वसम्मति से सारे विधायकों ने सुखविंदर सिंह सुखू जी को विधायक दल का नेता चुना है। कल उनको मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई जाएगी। उप मुख्यमंत्री के रूप में मुकेश अग्निहोत्री जी को पदासीन किया गया, ये हाईकमान ने निर्णय लिया है। अभी हम कुछ मंत्रियों का ही शपथ करेंगे, उसके बाद मंत्रिमंडल विस्तार बाद में होने का मुख्यमंत्री जी तय करेंगे। विधायक दल ने कल सर्वसम्मति से हाईकमान को अधिकृत किया था विधायक दल के नेता चुनने के लिए, और हाईकमान ने आज सुखविंदर सिंह सुक्खू को कांग्रेस विधायक दल का नेता यानी मुख्यमंत्री के रूप में चयन किया है, और उप मुख्यमंत्री के रूप में भाई मुकेश अग्निहोत्री का नाम चयन किया है। सो बोथ द लीडर्स विल टेक ओथ एज चीफ मिनिस्टर एंड डिप्टी चीफ मिनिस्टर। गुरकीरत कोटली, सो आगे 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 So that's the breaking update we are getting from Himachal Pradesh. Congress selects Sukhwinder Sukhu as Himachal Pradesh Chief Minister. Mukesh Agnihotri has been selected as the Deputy Chief Minister. Swearing in ceremony is set to take place tomorrow. In fact, after wresting power from the BJP in Himachal Pradesh in the recently concluded assembly election, Congress had a task at hand, which was zeroing in on a chief minister. And after a series of meetings with the Congress top leaders, now, of course, that decision has been made. Congress has selected Sukhwinder Sukhu as the chief minister of Himachal Pradesh. Mukesh Agnihotri has been selected as deputy chief minister. Swearing in ceremony is all set to take place tomorrow. सर्वविदित है, हम हाई कमांड का जो फैसला है उसको मानते हैं। अच्छा, क्या आपको कैबिनेट में तरजीह दी जाएगी आपके कैंप को? मैंने बोल दिया हाई कमांड का फैसला हमें मान्य है और बधाई देते हैं हम। ठीक है, ओके, चलो। तो Right, we have Ranjita on the phone line with us. Ranjita, after a series of infighting, confusion, meetings, protests and demonstration, names of a new chief minister and deputy chief minister for Himachal Pradesh is finally out. बिल्कुल, देखिए मिरर नाउ ने इस खबर को पहले भी दिखाया था, किस तरह से हमारी खबर पर मुहर लगी है। कांग्रेस ने हिमाचल प्रदेश में अपने नए मुख्यमंत्री के आधिकारिक घोषणा कर दी है। सुखविंदर सिंह सुक्खू हिमाचल के नए मुख्यमंत्री होंगे और उनके अलावा उप मुख्यमंत्री के पद घोषणा की गई है। ये जो फैसला है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस लीडरशिप की तरफ से ये दिखाने की कोशिश की जो
मौजूदा विधायक हैं, खासकर प्रदेश के जो नेता हैं, वो जो फैसला ले रहे हैं, उनका समर्थन जिस नेता को है उनको तवज्जो दी गई है, लीडरशिप का दबाव अपनी तरफ से नहीं रहा है। यही वजह है कि सुखविंदर सिंह सुक्खू के साथ सबसे ज्यादा विधायक थे, इसलिए मुख्यमंत्री का पद उन्हें दिया गया और उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री होंगे। तो ये एक बड़ा डेवलपमेंट और आधिकारिक रूप से घोषणा की है छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, जो ऑब्जर्वर के नाते हिमाचल प्रदेश गए थे। इससे पहले वो पूरे चुनाव की भी पूरी बागडोर उन्होंने संभाली थी, वो प्रियंका गांधी जो है उनकी पूरी अगुवाई में हम कह सकते हैं कि हिमाचल का पूरा चुनाव किया गया था। और अब जब आधिकारिक घोषणा की गई है, प्रतिभा सिंह अभी कुछ देर पहले मीडिया से बात करती हुई कि लीडरशिप का फैसला मंजूर है और एक एक हम कह सकते हैं कि कांग्रेस ने अपनी पुरानी जो गलतियां अलग अलग राज्यों में की, चाहे वो पंजाब में हो या फिर राजस्थान में मुख्यमंत्री बदलने की, उनसे सबक लेते हुए कांग्रेस ने स्टेट नेताओं को तवज्जो दी है, ना कि लीडरशिप का फैसला जो है वो थोपा है विधायकों पर। Right, Ranjita. So finally, the names are out. Of course, there had been so many speculations surrounding who is going to be the new chief minister and deputy chief minister in Himachal Pradesh. And finally, the names coming out, as Ranjita had been pointing out, Mirror Now had broken these names just some time back. Sukhvinder Sukhu as Himachal Pradesh chief minister, Mukesh Agnihotri as deputy chief minister of Himachal Pradesh, swearing in ceremony to be held tomorrow. एक दिन के अंदर सीएलपी मीटिंग बुलाएगी और अगले ही दिन मुख्यमंत्री पद का नाम तय कर दिया गया और आज ही तकरीबन 48 घंटे बीतने के बाद जो है वो सरकार बनाने का दावा पेश करने जा रही है। एक बात दर्शकों को यहां और बता दें कि जो तीन निर्दलीय विधायक जीत के आए हैं उन तीनों ने ही कांग्रेस को समर्थन देने का वादा किया है और ऐसे में जो टोटल टैली है वो सरकार के पक्ष में विधायकों की 43 पहुंच जाती है, जो कि कांग्रेस की स्थिति को बहुत मजबूत बना देती है। और सुखविंदर सिंह सुक्खू जो है वो सबसे पहले कांग्रेचुलेशन, व्हाट विल बी योर प्रायोरिटी? मैं श्रीमती सोनिया गांधी जी का, श्री राहुल गांधी जी का, श्री प्रियंका गांधी जी का और खड़गे जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। मेरा राजनीतिक जीवन 18 साल की उम्र में NSI से शुरू हुआ और NSI से शुरू होकर युवा कांग्रेस की राजनीति से धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ मैं श्रीमती सोनिया गांधी और राजीव गांधी जी के आशीर्वाद से मुझे प्रदेशाध्यक्ष बनने का मौका कांग्रेस पार्टी का मिला। राजीव गांधी जी ने मुझे NSI का अध्यक्ष बनाया। मैं सभी हिमाचल की जनता का और श्रीमती सोनिया गांधी, खड़गा जी का, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, क्योंकि मेरा गवर्नर हाउस में टाइम है। गवर्नर हाउस के टाइम के बाद मैं आपसे सबसे मिलूंगा। आप प्लीज करके मुझे जाने दीजिए। व्हाट विल बी योर फर्स्ट प्रायोरिटी? पहली प्राथमिकता अभी ओथ लेने की है, उसके बाद कैबिनेट मीटिंग होगी, फिर आपको बताया जाएगा। That's Sukhvinder Sukhu.